दिल्ली NCR में बुधवार को आंधी तूफान के साथ आसमान में काले बादल छा गए और रिमझिम बूंदे भी गिरने लगी। हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पहले ही इसका अनुमान जताया था। बारिश के बाद राजधानी दिल्ली के कई प्रमुख रास्तों पर जाम भी देखने को मिला। बुधवार को बदले मौसम ने करीब दो महीने की भीषण गर्मी से तप रहे उत्तर भारत को खासी राहत दी है। यूपी के कई जिलों में भी बारिश ने गर्मी से राहत दी। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के शिमला समेत कई जिलों में बारिश हुई, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा उत्तराखंड के भी कई जिलों में बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि भले अभी तापमान में गिरावट आ रही हो, लेकिन दिल्ली समेत कई जगहों में शुक्रवार से एक बार फिर से तापमान बढ़ेगा। बता दें कि इस साल मार्च और अप्रैल में लू चली, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब जम्मू कश्मीर की तरफ से हिमालय क्षेत्र में न केवल मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना है, बल्कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान से उत्तरी पूर्वी भारत तक निम्न दबाव की रेखा भी बनी हुई है।